चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक होगी और ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पीएम मोदी के अलावा एक कैबिनेट के मंत्री और विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव आयोग की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है और माना यह जा रहा है इस बैठक के बाद आज शाम तक अधिसूचना भी जारी हो सकती है। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की इस्तीफे के बाद से ही दोनों पद खाली है। है और मेरे पास लिस्ट भी है और उस लिस्ट में त्रिपुरा है, तेलंगाना है। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ जीतू पटवारी इस समय जुड़ गए हैं। जीतू जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल आपसे सीधा है, बड़ी हार हुई कांग्रेस पार्टी की और उसके बाद मध्य प्रदेश की कमान आपको सौंपी गई, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन लगता है रंग आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी का नंबर 28 रहेगा और कांग्रेस की सीटें 1 रह सकती हैं। अभी तक का ओपिनियन पोल यही है। पटवारी जी, नहीं, मैं न्यूज 18 के सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बात यह है कि देश में मोदी गारंटी की बात आप लोग रोज बताते हैं, पर हमारे प्रदेश में 2023 में मोदी जी आए थे, वो कह के गए थे कि 3000 रुपये बहनों को देंगे, 3100 रुपये धान का दाम देंगे, 2700 गेहूँ का देंगे, 400 का गैस सिलेंडर देंगे। एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक, चालू नहीं हुआ। ये 23 की है, जो इससे पहले 14 में कहा था 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा तो आपने शायद लिया ही होगा मेरे ख्याल से, वो तो बेरोजगारी तो आप बता नहीं सकते। बिल्कुल, 45% से ऊपर बेरोजगारी है, जनता की राय में टॉप मुद्दा है। 80% बच्चे नशा करते हैं, 80% बच्चे देश भर में अब नशा करते हैं, ये भी सेंसेक्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। तो जब मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, तो आप लोगों के जो एंकर हैं या इनकी तो सैलरी बड़ी बड़ी होती है, इनको तो असर नहीं आता है, पर जनता को आता है कि जो महंगाई हुई है ये इतनी अद्भुत है, अकल्पनीय है, कि मुझे पता नहीं कि आप लोगों को इसका एहसास होगा कि जीतू पटवारी साहब, इन सब मुद्दों के बावजूद तीन राज्यों में हिंदी पट्टी में बीजेपी को जीत मिली। फिर किसानों की बात, जो MSP की बात, इस देश में 70% किसान है। MSP को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा था 2014 से पहले कि जितनी लागत आएगी उससे सीधा डबल और उसके बाद MSP का तय होना, आज तक कुछ हुआ नहीं, किसानों की लागत डबल हो गई, तो उसका आपके एग्जैक्ट पोल में क्या, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, देश के किसानों को भी नहीं पता। पहले लोग किसान कितनी शहादत हुई, अभी कितनी परेशानी आ रही है, किसी दुनिया के देश में ऐसी आंदोलन के खिलाफ कीले और तार नहीं गाड़े गए जो